घेराव भी करते हुए आप लोग नजर आए, तो ये इस किस्म का माहौल होना नेशनल असेंबली में जहां पे कि पब्लिक इश्यूज पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, वहां पर आपस में इल्जाम तराशी का ही मंजर क्यों होता हुआ नजर आता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया कि कौम को हकीकत से आगाह करें। देखें, आज ये ऐवान का इजलास था किस बात के ऊपर? महंगाई पे, इकॉनमी पर। और इनसे पहले हफीज शेख साहब जो मिनिस्टर फाइनेंस थे, उन्होंने एक तफसीली यहाँ पर बातचीत की। बेशक उससे मेरा इख्तलाफ है कि वो फिगर गलत दिए, सही फिगर नहीं दिए और सही अंदाज में बात नहीं की जो करनी चाहिए थी, लेकिन एक दायरे में रह के गुफ्तगू की गई और उसका मुख्तलिफ कुलीग्स ने जवाब दिया। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर पगड़ियां उछालनी है कि मैंने लोगों 22 करोड़ आवाम के ऊपर जो आज महंगाई का तूफान खड़ा किया हुआ, इससे बचने के लिए आपने गालम गलोच, आपने फजूल किस्म की बात करनी है। अगर ये बात हमने करना शुरू कर दी कि 11 साल आपने जेल में रखकर कोई एक रुपये साबित ना कर सके, और जब प्राइम मिनिस्टर के वाले साहब करप्शन में निकाले गए हैं नौकरी से, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, अगर इन चीजों में जाएंगे तो कौम किस तरफ जाएगी?